हाय गाइस, मैं संगीता। वेलकम टू किचन कुंफू। आज हम बनाएंगे चने दाल की कचौड़ी। इसके लिए मैंने ली है मैदा एक कटोरी और रावा एक चम्मच, एक पिंच सॉल्ट, गरम तेल 4 टेबलस्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें क्रश्ड अजवाइन 1 चम्मच मैंने ऐड करी है। आपको अगर पसंद ना हो तो आप कलौंजी या जीरा भी ऐड कर सकते हो। इसको टाइट बाइंड होने तक ऐसे ही हम हाथों में मैश करेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। अब हमारी डो बन चुकी है। इसमें हम 1 चम्मच तेल ग्रीस करके इसको कवर करके आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। हम चने दाल का कचौड़ी बना रहे हैं, इसलिए मैंने चने दाल को आधा घंटा भिगो के रख दी है। इसको बिना पानी के दरदरा सा मैंने ब्लेंड करी है। यह आधा पिसा चना दाल ही हमारी मसाला के लिए अच्छा है। चलिए अब हम मसाला बनाते हैं। पैन में थोड़ी सी तेल ले ली है मैंने। तेल में अभी हम सौंफ, साबुत जीरा, थोड़ी सी हींग, चॉप्ड गार्लिक, ग्रीन चिली। अच्छी कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच ऐड करी है। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद हम ब्लेंड किया हुआ चने का दाल को ऐड कर लेंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, अच्छी टेस्ट के लिए क्रश्ड कोकोनट 2 चम्मच मैंने ऐड करी है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई करेंगे और ऐसे ही सूखा मसाला हम बना लेंगे। हमारी मसाला अब स्टफ के लिए रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडा हो, हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। कचौड़ी के साथ आलू की सब्जी बढ़िया लगती है, इसीलिए हम आलू की सब्जी बनाते हैं। मैंने छोटे छोटे आलू को बॉईल किया हुआ है, इसको कट कर ली है। इसको हम थोड़ी सी फ्राई करके निकाल लेते हैं। आलू में नमक मिलाकर मैंने बॉईल किया हुआ है। आलू हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम मसाला बनाते हैं। पैन में थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल ली है मैंने। इसमें थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी मस्टर्ड ऐड करी है। इसको चटकने देते हैं। इसमें ग्रीन चिली और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, अच्छी कलर के लिए मैंने ऐड करी है। इसको थोड़ी सी भून कर चॉप्ड ऑनियन हम ऐड करेंगे। ये आधा भून जाए, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक बड़ा सा टमाटर को मैंने ग्रेट करके रखी हुई है, इसको भी हम इसमें मिलाएंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। ग्रेवी के हिसाब से ही अभी हम नमक ऐड करेंगे। आलू में हमारे नमक है। हमारे टमाटर तेल छोड़ दी है, टमाटर फ्राई हो चुकी है। इसमें धनिया पाउडर,
गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, सारे मसाले को हम अच्छे से मिला लेते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें फ्राइड आलू मिला लेते हैं। हमारी आलू मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसमें हम पानी ऐड करेंगे और 10 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद देखिए हमारी आलू की सब्जी कैसी बनी है। हमारी आलू की सब्जी बिल्कुल बढ़िया बन चुकी है, ये अब खाने के लिए रेडी है। चलिए हम इसको सर्व करते हैं। फोर्टी मिनट रेस्ट करने के बाद हमारी डो कैसी बनी है। अभी ये सॉफ्ट डो बन चुकी है, इसको हम गूंद के लोई बना लेते हैं। मैंने ये साइज का लोई बनाई है, आप बड़े या छोटे बना सकते हो। अभी हम लोई को रोल करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बनानी है हमें। इसमें हम स्टॉक फिल करेंगे। ऐसे ही चारों साइड से हम इसको फोल्ड बनाएंगे और इसको हाथों में लेके गोल बनाकर इसको सील कर देंगे। इसको सील करने के बाद हाथों में दबाकर हम कचौड़ी शेप बना सकते हैं या फिर हल्के हाथ से रोल कर सकते हैं। ऐसे भी आप कचौड़ी की स्टफिंग कर सकते हो। देखिए इसको पूरी जैसा बड़ा बेल लेते हैं, इसको हाथों में लेके किनारों को ऐसे फोल्ड फोल्ड करके इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफ फिल करने के बाद चारों साइड से हम बंद करके इसे सील कर देंगे। और हल्के हाथ से रोल कर लेते हैं। ऐसे ही सारी कचौड़ी हमने बना ली है। इसको अभी हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक वेज कचौड़ी फ्राई करने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर। अब हमारी कचौड़ी गोल्डन ब्राउन बन चुकी है, इसको हम तेल से निकाल लेते हैं। अब हमारी कचौड़ी बनके तैयार है, मैं एक तोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी कचौड़ी की लेयर कितनी परफेक्ट बनी है और ये कितनी क्रिस्पी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।